नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास बहुत तगड़ी वॉच के आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये वॉच बहुत ही अच्छी ब्रांडेड वॉच है। इसके अंदर सारे फीचर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप है और आपको मैसेज के नोटिफिकेशन है, वेदर के हैं और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल से और म्यूज़िक इसमें कैसे चलाते हैं, इन सारे फ्यूचर को मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, कनेक्ट करके आपको बताने वाला हूँ और कैसे इसको यूज़ करते हैं सारे इस वीडियो के अंदर मिलेगा। दोस्तों, ये है वॉच क्रॉस बीट्स की इग्नाइट प्रो वॉच। दोस्तों, इस वॉच आपको तो पता है ये बहुत अच्छे ब्रांडेड वॉच है और इसकी क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है और बहुत अच्छी है और इसका जो वारंटी आइटम है वो तो आपको पता ही है कि एक साल की इसको वारंटी भी आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बॉक्स को ओपन करने से जो किस तरीके से मतलब आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ डबल पैकिंग है जो देखने को मिल जाएगी। तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी वॉच हो दोस्तों, इसके अंदर जो भी मैनुअल वगैरह है आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वॉच के अंदर आपको एक चार्जर मिलेगा, सबसे पहले आपको उसको चार्ज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको वॉच ओपन करने से इसका जो स्टिकर है वो वहाँ पे हमको रिमूव कर देना है दोस्तों। और रिमूव करने के बाद में सबसे पहले है जो इसको चार्ज में डालना पड़ेगा दोस्तों, ताकि ये, क्योंकि ये चार्ज इसका जो ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्ट आप ऑन करने की कोशिश करेंगे तो जो ऑन नहीं हो पाती। तो आप देख सकते हैं बेल्ट की क्वालिटी कितनी तगड़ी है और ये मेटल बॉडी इसका दिया हुआ है, मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। ये इसका ब्रांडेड आइटम है तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि आप मैग्नेटिक चार्जर इसको दिया हुआ है और आप इसका चार्जिंग को सिंपली यहाँ पे रखने से मतलब है जो चार्जिंग यहाँ पे ऐसे रखने से चार्जिंग हो जाती है, तो मैग्नेट है तो रखते ही चिपक जाती है दोस्तों। तो ये USB ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसको कम से कम पहले आधे घंटे में चार्ज में डालिए ताकि आपकी वॉच ऑटोमेटिकली चार्ज में डालने के बाद में ऑन हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी चार्जिंग बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसका और क्वालिटी भी तगड़ी है। तो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि सब देखिए, चार्ज में डालने के बाद में आपको है जो चार्जिंग दिखा रहा है तो कुछ इस तरीके से चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये एक बटन दिया हुआ है दोस्तों और इसके सारे फीचर मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ ही साथ इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे मेनू देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर से आपको है जो ब्राइटनेस वगैरह वहाँ पे चेंज कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी है और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी यहाँ पे ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हार्ट बीट वगैरह भी ऑप्शन दिया हुआ है, SPO2 भी है और वॉकिंग का भी दिया है, म्यूजिक भी दिया है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि मोबाइल से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ऐसे वॉलपेपर को आप इससे चाहिए तो चेंज कर सकते हो। तो इसको प्रेस और होल्ड करने से है जो इसका जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हो। और आप अपने जो मैनुअली वॉच अपनी कोई भी फ़ोटो वगैरह है उसको भी आप सेटअप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ऐप है उसका नाम है, मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ, आपको कहीं भी आप ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, CB एक्टिव वॉच इसका जो ऐप का नाम है, वो ऐप आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इसको आप है जो डाउनलोड कर देना और उसका जो ऐप वो QR कोड स्कैनर भी उस इसमें दिया हुआ है, चाहिए आप उसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड होने के बाद में आपको कैसे इसको सेटअप करना है, यहाँ पे ओपन करके है, उसको ओपन करके कर दीजिए। तो यहाँ पे एग्री करके लिखा है दोस्तों, इसको आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे एशिया पैसिफिक, अगर आप यहाँ इंडिया वगैरह आसपास में एशिया से हो तो आपको एशिया पैसिफिक ओके कर देना है। और आपको जो लॉगिन है दोस्तों वो गूगल से या फेसबुक दोनों से भी आपको कोई भी ओके कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गूगल ओके कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना नाम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और आपका वेट,
आपकी हाइट वगैरह सारे यहाँ पे आपसे यहाँ से सेट कर सकते हो। तो आपको मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे सारा सेटअप मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि पेयर करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे उसको ओके करना है और यहाँ पे अलो अलो करके लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको इग्नाइट प्रो का जो वॉच है आपके पास उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वॉच में आप ओके कर दीजिए और फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों वॉच आपकी मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे आपको है जो ऑप्शन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको जो कॉल्स वगैरह भी है वो नहीं आएगा। तो उसको सब ए वन स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस वॉच को पूरे सारे फंक्शन आप कैसे यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो वॉलपेपर है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर दिए हुए हैं, और आपको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो किसी को भी आप ओके करके आप कुछ ही देर में आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद में आप उसे वॉलपेपर पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वॉलपेपर है जो इस वॉच के अंदर आ चुका है, और साथ में एक और ऑप्शन है कस्टमाइज डायल करके। तो यहाँ पे ओके करने से दोस्तों आप अपने फ़ोन के जो अंदर कोई भी फ़ोटो वगैरह है, कोई भी वॉलपेपर है, आप इसको ओके करके यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड आपको कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। कुछ इसी तरह से दोस्तों आपको भी अपने पसंदीदा वॉलपेपर को यहाँ पे सेटअप कर देना है कस्टमाइज डायल में जाके, और चाहिए तो आप अपनी फ़ोटो चाहिए तो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप सीधा में ऑप्शन यहाँ पे लिखा जाएगा कैमरा या गैलरी, तो आप कैमरा से होंगे, कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली कैमरा से आप फ़ोटो खींच सकते हैं अपनी या किसी और को भी, जिसको भी आपको वॉलपेपर पे चेंज करना। और गैलरी का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो गैलरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी गैलरी में से जो भी फ़ोटो चाहिए उसका आप सेटअप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने एक फ़ोटो यहाँ पर सेटअप करके दिखाई है। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये है जो वॉलपेपर पे यहाँ पे सेट हो जाएगी आपके फ़ोन पे, और कुछ ही देर में डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर भी जो भी फ़ोटो है अपने वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करना है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आपको मिलना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को बार बार आपको ओके कर देना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है उसको भी यहाँ पर अलाउ कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे अलो करने के बाद में आपको बैक चले जाना है। यहाँ पे इनकमिंग कॉल अगर आप चाहे तो ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, और पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ नोटिफिकेशन सारे आपको ऑन कर देना चाहिए तो, और जो नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसको बंद कर देना है। जो जो आपको ज़रूरत पड़ता है उसको आप ऑन कर सकते हो। तो मुझे जो ज़रूरत था दोस्तों उसको मैं यहाँ पर ऑन कर दिया हूँ दोस्तों, और इनकमिंग कॉल की अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे ऑन कर दीजिए, वरना आपको ऑफ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल को अलाउ कर दिया है दोस्तों, और फ़ोन लॉस्ट का भी अलर्ट ओके कर दिया है, और आप अलार्म भी ऐप चाहिए तो सेट कर सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सब ऑन करके दिखाई है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे सेटअप किया जा सके। तो डेट का जो फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और सेटिंग में आप पावर कितनी देर का में वो लाइट ऑफ होना है वो भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। कैमरा दोस्तों है, कैमरा आप इसको अपने मोबाइल से मतलब अपने वॉच से अगर आप क्लिक करेंगे तो फोटो है जो क्लिक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा को रिमोट से कंट्रोल, मतलब जैसे आपके मोबाइल से फ़ोटो खींचनी है तो आप वॉच से ओके कर देंगे तो खींच जाएगी अगर आप कहीं फ़ोन पे भी रख देते हैं। तो आपको यहाँ से थोड़ा बैक चले जाना है। तो वॉच से यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे सेटअप कर दिए हैं दोस्तों, तो बस आपको कुछ व्हाट्सएप और इनकमिंग कॉल वगैरह करके दिखा देता हूँ, पूरा सेट कर दिया। तो यहाँ पे हार्ट रेट ये भी यहाँ पर रखने से
काफ़ी इसका मतलब सही दिखा रहा है मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे देख रहा बीपी नॉर्मल करके दिखाएगी। तो फीचर भी अच्छे हैं इसके और वॉच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इसका बैटरी बैकअप भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ और लास्ट में आपको व्हाट्सअप और इनकमिंग कॉल के बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों कि व्हाट्सअप आपका नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन कर दिया है तो आपको कोई अगर मैसेज भेजेगा व्हाट्सअप में तो आपको है जो नोटिफिकेशन आपके सीधा वॉच में है जो ओपन हो जाएगा और आप उसे है जो पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ से क्लियरली बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप में आप इस मॉडल के अंदर आप इसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सअप में बहुत सारे वॉच में ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये देखो व्हाट्सअप पे मैंने अभी मैसेज भेजा है तो वो हम उसको डायरेक्टली है जो पढ़ सकते हैं और उसको फिर डिलीट कर सकते हैं। तो और एक दो मैसेज मैं आपको भेज के दिखा देता हूँ कि जो देख सकते हैं कि वॉच जो मैसेज है वो आ जाता है और आप उसे पढ़ सकते हो। तो वहाँ से रिप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत सारे वॉचों में ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन आता है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन ऐसा होता है चाहे आपको कोई भी मैसेज वगैरह भी आता है तो आप उस मैसेज को पढ़ सकते हो लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते हो या फिर उसको डिलीट कर सकते हो। तो जो प्रीमियम मॉडल्स और बहुत महंगे वाले जिसके अंदर स्पीकर भी आता है उसमें आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर स्पीकर नहीं है दोस्तों। तो ये आप कोई भी कॉल है जो रिसीव कर सकते हो लेकिन आपको फ़ोन पे बात करना होगा। आप यहाँ से कट भी कर सकते हो, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप वॉच में स्पीकर नहीं होने की वजह से वॉच पे आप बात नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो मैं ये एक्चुअली एक तरफ से मतलब अच्छा भी है क्योंकि मतलब पानी वगैरह वाटर प्रूफ रहती है तो उसके लिए स्पीकर नहीं रहता तो अच्छी बात है। तो म्यूज़िक आप वॉच का जो म्यूज़िक है वो अंदर वॉच के अंदर नहीं बजेगा लेकिन आपको जो अपने फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए म्यूज़िक का भी ऑप्शन आपको दिया है तो उसको मतलब समझ सकते हो कि कैसे क्या यूज़ करना है। और दूसरा ये QR कोड दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।